और अब बात करें महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके बाबूलाल मरांडी आज से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। रांची जेवीएम दो दिवसीय रायशुमारी कर रहा है, जहां सभी 24 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बाबूलाल मरांडी संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अविनाश का, जो इस वक्त उस बैठक में जेवीएम की जो बैठक हो रही है इस दौरान वहां पर मौजूद है। अब जेवीएम भी पूरी तरीके से रेस नजर आ रहा है अविनाश, आज उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी। जरूर राजदा, और अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और कह सकते हैं झारखंड में जो पांच चरण में चुनाव होने हैं, पहले अगर हम दो चरण की बात करें, मतलब अगर हम 30 नवंबर को होने वाले मतदान की बात करें या फिर 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिहाज से बात करें, पहले चरण में 13 सीटें हैं, दूसरे चरण में 20 सीटें हैं, मतलब कुल अगर आज अगर हम रायशुमारी के लिहाज से यहाँ जेवीएम की बैठक की बात करें तो 23 सीटें होती हैं। और आज रायशुमारी होनी है एक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में, चूंकि कहा ही जाता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो संगठन के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे इसके लिए एक ये प्रयास आप कह सकते हैं। हमारे साथ केंद्रीय सचिव हैं संतोष जी, उनसे भी जानेंगे इस रायशुमारी को सांगठनिक लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए या फिर आईवास देखा जाए, क्योंकि राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती हैं और चुनाव का वक्त हो तो हर पार्टी इस तरह की रायशुमारी करती है, लेकिन जब टिकट बांटने का समय आता है सबको पता है किसको टिकट मिलने वाला है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, हमारे दल में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्व से भी चलती आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी हम इस तरह की रायशुमारी किए और जो नाम छन करके आती है वो संगठन के ही लोग होते हैं, वो हमें अपने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं या जिले के पदाधिकारी होते हैं, उनमें से ही किसी को ये नहीं कह सकते राजनीति में इक्के दुक्के लोग आते हैं तो वहाँ पे वो चुनाव लड़ते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है तो झारखंड विकास मोर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करती है और आज भी हम उसी तरह से यहाँ पे हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं, उनके सामने बैठ करके हम लोग विचार विमर्श करेंगे और जो नामें आएंगी नामों के बाद में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि किसको आगे लड़ाया जाए। तो जी अभी भी हम क्या महागठबंधन में ये मान के चलें कि अभी थोड़ी उम्मीद जिंदा है क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, कांग्रेस का ये प्रयास है कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम को साथ लाया जाए, एक प्रयास अभी बाकी है। ट्रेन छूट चुकी है और ट्रेन पीछे नहीं आती है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने ये घोषणा कर दिया है कि हम लोग 81 पे चुनाव लड़ेंगे तो 81 पे लड़ेंगे। हम लोगों ने पहले भी ये प्रयास किया था कि महागठबंधन के एक स्वरूप बने, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद से ही देखें तो किसी भी तरह की कोई बैठकें महागठबंधन के नेताओं की नहीं हुई। हम लोगों ने प्रयास किया था कि होना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं अन्य दलों में अब क्या चल रही थी ये मैं नहीं कह सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, इस कारण से आज ये स्थिति है। तो अब चूंकि चुनाव सर पे है, चुनाव घोषणा हो चुकी है और कल से नॉमिनेशन भी कई क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी, और अभी तक हम अगर गठबंधन महागठबंधन की बात करें तो मेरे ख्याल से ये देर हो चुकी है। ये क्यों कहा जा रहा है आपकी पार्टी को लेकर कि आपको इंतजार है जब एनडीए के अंदर में टिकट का बंटवारा होगा, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वैसे लोगों को ले आएंगे, जब महागठबंधन में टिकट का बंटवारा होगा जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको ले आएंगे, क्योंकि आपके पास 81 विधानसभा सीट पर मजबूत दावेदार नहीं है लड़ने वाले। देखिए बेतुका बात है कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी अखबारों के माध्यम से भी हम लोग ये कहते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक अगर विपक्ष का भूमिका किसी ने निभाया है पूरे 5 सालों में आप देखेंगे तो झारखंड विकास मोर्चा है, हर जिले में मेरा सांगठनिक जो स्थिति है आपको काफी मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रहा है और जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं झारखंड के उसमें जेवीएम एक अलग स्टैंड लेकर नजर आ रहा है। इस बैटर लुक को लेकर तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और हम यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।